रणदीप सुरजेवाला हो, सुनील जी, ये सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो ऊंची बात करते जिसे आप लोग उठाए, इसी इन बातों को उनको वहीं फेंक दो जो अच्छी बातें हैं देश प्रदेश के कुछ लोग। किसान नेता हैं चढ़ुन्नी, उन्होंने सीएम मनोहर लाल के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने उन्हें कम अक्ल का बताया। अब वो कम अक्ल बोले क्या बोले उनसे कुछ नहीं लेना। आज मेरा मुख्यमंत्री जनता का मुख्यमंत्री, अपने परिवार का मुख्यमंत्री नहीं है, वो जनता का है। एक आकलन ये कि जिस साथ बैठते हैं, कांग्रेस का उदय भान, कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री रणदीप सुरजेवाला, चुनरी, ये सब एक ही बिरादरी के लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो ऊंची बात करते जिसे आप लोग उठाए, इसी इन बातों को उनको वहीं फेंक दो जो अच्छी बातें हैं देश प्रदेश के उसको लोग बोलो। अब वो आकलन है वो अपना बता दें, वर्तमान में तो मुख्यमंत्री ने अभी जनसवाद रोहतक का ही विषय बता कर गए, कितनी उन्होंने 10 साल नौकरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी है और कितनी हमने दी है, वो थोड़ा सा अपना आकलन, वो अपना श्वेत पत्र जारी कर दे हम अपना कर दें। आरोप लगाने से नहीं होगा, आप लगाओ ना, श्वेत पत्र लाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए कि मैंने रोहतक जिले के अंदर प्रदेश में कितनी नौकरी दी है। 2014 से पहले जो सत्ता में बैठते थे लोग, वो अपने परिवार, चाचा, भतीजा, साला, मामा, ऐसे अपने परिवारों का तक की नौकरी बांट देते थे। इसलिए युवाओं को ये देखना है कि उन परिवारों के रिश्तेदार नौकरी मिले या वो सरकार चाहिए जो हमारा हक मेहनत मिले। सवाल वो बेहतर, आजकल जो राजनीति में काफी उछाल आ गया है और वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है कि अगर जेजेपी साथ रहेगी भाजपा के तो वह पार्टी छोड़ देंगे, आप भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नहीं, अब वो उनकी एक पहली बात तो उनकी जो जींद में रैली थी उनकी व्यक्तिगत रैली थी, उसमें किसी भी दल का नहीं था, परंतु जो उन्होंने भावना रखी है वो भावना प्रदेश और केंद्र दोनों उनकी भावना को, केंद्र के नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बेटा उनका एमपी है, इसलिए केंद्र प्रदेश उनकी बातों को देख कर जो होगा वो फैसला उसमें करें। ओलंपिक के अध्यक्ष हैं आप, गोवा में गेम हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं हरियाणा पार्टी? हाँ, मैं गोवा में 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक नेशनल गेम हो रहा है, उसमें हरियाणा का इसका इंचार्ज मुझे बना के भेज रहे हैं, इसमें 700 बच्चे भाग लेंगे, 40 खेल है इसमें, टीमें हैं, और उसके लिए अभी मेरी बैठक गुड़गांव हुई है। आज मैं सभी फेडरेशन के लोगों से, अध्यक्ष और सेक्रेटरी से ऑनलाइन उनसे बात करूंगा और उसके बाद हम उनको हर ग्राउंड में उसकी देखेंगे खेल कैसा कर रहे हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं उनको ले जाएंगे, पूरा खर्चा हरियाणा ओलंपिक उठाएगी, किट देगी बच्चों को उनको ट्रैवल के लिए देंगे, ठहरने की व्यवस्था अच्छी करेंगे, हरियाणा खेल में दम, हरियाणा के खेल में दम, इसलिए युवा जीत के आए हुए गोवा।